नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन का फेसबुक पेज। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मान हैं अभिनेता विश्वजीत प्रधान जी। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे लोगों तक, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। हमारा सौभाग्य है सर। मैं कह रहा था कि लॉकडाउन में जहां सारी दुनिया काम की तलाश कर रही थी या लोगों का काम आ नहीं पा रहा था, आपकी दो दो चीजें आई। हाँ, ये खुशकिस्मती का है, ऊपर वाले की कृपा का है, लेकिन यह है कि ये एक तरह का रुका हुआ फैसला था जो अब सुनाया गया। इन द सेंस के क्लास ऑफ 83 की शूटिंग लास्ट ईयर ही कंप्लीट हो चुकी थी, उसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा था। और आर्या के केस में भी वी हैड जस्ट फिनिश्ड शूटिंग बिफोर द लॉकडाउन स्टार्टेड, तो वो खुशकिस्मती रही। उसका पोस्ट प्रोडक्शन लॉकडाउन के दौरान ही हुआ, वो भी सब लोगों ने, जो भी टेक्निकल टीम थी उन्होंने अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम के प्रिंसिपल के तहत घरों से किया। बट या, इट वाज अ मिरेकल दैट द टीम मैनेज्ड टू डू द पोस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम देयर होम्स एंड रिलीज द वेब सीरीज। और दोनों ही काम की, 83 और आर्या की, दोनों की खूब तारीफ हुई। आपके शब्दों में, जिन लोगों ने अब तक देखा नहीं है और जो लोग देखना चाहते हैं, तो मैं आपके शब्दों में दोनों को चाहता हूं कि आप बताएं क्या कुछ रहा। हाँ, आर्या हॉटस्टार, डिस्नी प्लस हॉटस्टार पर वेब सीरीज आई, उसमें सबसे अट्रैक्टिव तो यही था कि हमारी मिस यूनिवर्स और हीरोइन सुष्मिता सेन बहुत समय के बाद दोबारा ओटीटी पर पहली बार, और वैसे भी एक उनकी वापसी कही जा रही है ये, तो वो लोगों के सामने आई। और सुष्मिता सेन के अलावा द सीरीज इटसेल्फ, जो कास्टिंग है, कहानी है, जिस तरह उसको पिरोया है राजस्थान के बैकड्रॉप में, वो बहुत पसंद की गई। और आजकल खास तौर पर चूंकि ओटीटी पर इतना सेंसरशिप की दखलंदाजी नहीं है, तो लोग पॉपुलैरिटी के चक्कर में कुछ भी दिखा रहे हैं, इतना डेस्परेशन है, कंपटीशन है कि गालियां गालियां गालियों के जरिए या कम कपड़ों के जरिए अगर चीजों को पॉपुलर कर दें, तो बगैर इस तरह की किसी भी बैसाखी का इस्तेमाल किए, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको पूरा परिवार बगैर अनकंफर्टेबल फील किए साथ बैठ के देख सकता है, आर्या उस कैटेगरी की रही। और सेम, हालांकि क्लास ऑफ 83 जो एक बॉबी देओल का भी कहें कि डेब्यू है ओटीटी पर, तो बॉबी देओल को भी बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि बॉबी को अभी तक हमेशा बहुत ही ग्लैमरस और हार्डकोर जो कमर्शियल फिल्में आती थी लोगों ने उसी में देखा है, तो पहली बार बॉबी को भी एक तरह की सीरियस रोल में और एक रियलिस्टिक माहौल के बीच में देखा, और पूरी फिल्म को बहुत पसंद किया गया है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि स्पेशली लॉकडाउन में और वैसे भी लोगों को वेब सीरीज देखने की इतनी आदत पड़ गई है, वेब सीरीज जो कि 7-8 घंटे चलती है, हाँ, तो ऐसा अचानक उनको 1.5 घंटे की फिल्म, जैसे क्लास ऑफ 83 का जो रनिंग टाइम है वो 98 मिनट्स है, तो नेटफ्लिक्स ने वही इंटरनेशनल फॉर्मेट के हिसाब से उसको 90 मिनट्स के टाइम पीरियड में रखा है। सो दैट समहाउ दे फाउंड शॉर्ट, लोगों को लगा कि अरे ये तो अचानक खत्म हो गई। कई लोगों ने पसंद तो किया है, लेकिन साथ में ये भी पूछा है कि इसका अगला पार्ट कब आ रहा है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि कई बार जब लोगों को चीज पसंद नहीं आती है तो लोग बोलते हैं अरे यार बोर हो गए, बहुत लंबी थी। और ऑन द अदर साइड इफ द पीपल फाइंड इट शॉर्ट, कह रहे ये तो खत्म हो गई, सो दैट मींस के उसने लोगों को बांध के रखा, लोगों को कहानी में मजा आया, किरदार पसंद आए, तो बहुत अच्छा है। दोनों एकदम अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट्स हैं, और रीच आजकल ऐसी हो गई है बिकॉज ऑफ ओटीटी के, सिर्फ एक शहर नहीं, सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया में लोग एट द सेम टाइम उसको देख सकते हैं, सो दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज वी हैव टुडे। और इसके बाद हम आपको बेसब्री से देखने का इंतजार कर रहे हैं राधे में, कि वहां पर किस अंदाज में, किस उसमें आप नजर आएंगे। तो थोड़ा सा जितना आपको इजाजत हो बात करने जी की और बताने की, प्लीज बताइए। राधे, सलमान खान की फिल्म है, तो
सिर्फ इतना कह देना कि सलमान खान की फिल्म है, वो अपने आप बहुत सारे एक पूरा दृश्य लोगों के सामने आ जाता है कि अच्छा सलमान खान की फिल्म है तो मतलब स्केल बड़ा होगा, खूब एक्शन होगा, म्यूजिक बढ़िया होगा, ग्लैमर होगा, अच्छी हीरोइन होगी, खूब एंटरटेनमेंट होगा, तो तमाम मसाले हैं। एंड मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं और कई सालों के बाद सलमान भाई के साथ दोबारा काम कर रहा हूं। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग रोल, एक कहानी में उसका एक अपना कंट्रीब्यूशन है। ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा इस स्टेज पर, एक बार रिलीज के करीब पहुंच जाए तो इट्स मोर एडवाइजेबल टू टॉक अराउंड दैट टाइम। पर हाँ, काफ़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि सलमान खान की फिल्म बहुत समय से नहीं आई। इसका प्लान तो था कि पिछली ईद पर रिलीज हो, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ईद पर रिलीज नहीं हो पाई है। तो अभी जब भी कभी मौका लगता है, थिएटर्स खुलते हैं, तो ये लोगों तक पहुंचेगी और लोग आनंद उठा सकेंगे। क्या बात है। अच्छा, लॉकडाउन में सर आपने क्या क्या किया, क्योंकि लोगों की अलग अलग रूप देखने को मिले, अलग अलग काम लोगों ने किया, कुछ प्रोडक्टिव काम लोगों ने किया, कुछ नया सीखा। आपने करियर में बहुत काम किया है, पता नहीं आपको छुट्टी इतनी लंबी कभी मिली है कि नहीं मिली, इस तरीके की छुट्टी लॉकडाउन की, तो इसको आपने कैसे प्रोडक्टिव बनाया? हमारे यहाँ आजकल क्या है, होड़ लगती है हर चीज की ना, हम देखा देखी में बहुत लग गए हैं पूरी सोसाइटी, और वो फैशन ट्रेंड हो अगर, जब वही उसी तरह के कपड़े पहनेंगे, उसी तरह के बाल कटाएंगे। खैर ये तो हमेशा से रहा है, जब दिलीप साहब मशहूर थे तो उनके बाल लोग कॉपी करते थे, बच्चन साहब मशहूर हुए तो उनके बाल, फिर बाद में शाहरुख, और तो ट्रेंड्स करने का, फॉलो एक दूसरे की कॉपी करने का है। तो लॉकडाउन में भी मैं समझता हूँ वैसा ही रहा कि शुरुआत में सभी लोग डरे, बोर हुए, फिर एक बिकॉज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना प्रभावी हो गया है, कुछ लोगों ने तो जेन्युइनली तस्वीरें डाली कि भाई हम अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं या पोछा लगा रहे हैं या खाना बना रहे हैं। फिर लोगों ने देखा देखी, हर आदमी घर में पोछा लगा रहा था, हर आदमी घर में झाड़ू लगा रहा था, तो एक्चुअली लगा रहे थे कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने वो एक्टिविटी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर डाली कि भाई देखो आज हम खाना बना रहे हैं, आज हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। तो हाँ, वो अच्छी बात है, भले ही उन्होंने दिखाने के लिए किया, पर एटलीस्ट समथिंग जिससे हिंदुस्तान में, क्योंकि विदेशों में तो आदमियों को आदत है काम करने की, विदेशों में चूंकि नौकर आमतौर पर नहीं मिलते तो वहाँ फैमिली के सभी लोग काम करते हैं, मर्द भी घर घर में, घर के काम में, रसोई में हाथ बटाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये जरा बिलो योर डिग्निटी माना जाता है कि अरे हम तो आदमी हैं, हम तो मर्द हैं, हम थोड़ी बर्तन को हाथ लगाएंगे, हम थोड़ी किचन में जाएंगे। तो इट्स नाइस के लॉकडाउन के जरिए लोगों ने उस अपने मेंटल ब्लॉक को तोड़ के किचन में घुसने की कोशिश की, पोछा हाथ में लेकर भले ही फोटो खिंचाया, झाड़ू लगाई, घर के जाले साफ किए, कहीं ना कहीं इस बहाने उनके मन के और दिलो दिमाग के जाले भी साफ हुए, तो अच्छी बात है। और हमारा भी यही रहा कि मैं तो चूंकि 4-5 साल से ऑस्ट्रेलिया में भी रह रहा हूँ, तो हमें तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई पिछले 4-5 साल से बर्तन साफ करने की और झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की। सो इट वॉज नाइस, द ट्रेनिंग वन गॉट इन ऑस्ट्रेलिया केम टू गुड यूज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो घर के सभी काम करते रहे, दैट केप्ट अस बिजी, क्योंकि खाली दिमाग में और जब आपको एक अननोन सी चीज का डर है कि भाई शेर है तो सामने से आता दिखता है या काला नाग है तो दिख तो जाता है, लेकिन कोरोना ना दिख रहा है ना महसूस हो रहा है, सिर्फ खबरें आ रही हैं, तो आप डरे से रहते हो। एक डरे किससे नहीं मालूम कि दरवाजे का हैंडल छू लिया तो इसमें से तो कुछ नहीं आ जाएगा, या ये सामने जो सांस लेता हुआ प्राणी निकल गया इससे तो कुछ नहीं हो जाएगा, तो एक डर था। बट समहाउ आई थिंक वी ऑल हैव मैनेज्ड टू स्टे अलाइव टिल नाउ, और एक अच्छा रहा कि मेरा परिवार जो उस वक्त लॉकडाउन से पहले ऑस्ट्रेलिया में था, बच्चे वहीं पढ़ रहे थे, तो समहाउ दे केम टू मुंबई जस्ट बिफोर लॉकडाउन, तो फॉर्चुनेटली वी वर टुगेदर। और सबसे अच्छी बात यही रही कि कम से कम एक छत के नीचे एक साथ एक जगह थे, अगर वो लॉकडाउन के पहले बट गए होते, जैसे कि थे कि भाई वाइफ और बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं और मैं अकेला मुंबई में हूँ, तो शायद टेंशन बहुत ज़्यादा होती कि अरे दो जगह हैं, वो वहाँ कैसे मैनेज कर रहे होंगे और मैं यहाँ अकेला हूँ। सो दैट वॉज अ बिग रिलीफ दैट एटलीस्ट वी वर एबल टू बी टुगेदर अंडर वन रूफ, और वहाँ आप रियलाइज करते हो फैमिली की वैल्यू कि जितने भी लोग हैं साथ रहें, वहाँ जो तमाम सोसाइटी की गलत फहमी वाले अट्रैक्शंस हैं
जो हम फेसबुक पर सोशल मीडिया पर देखकर सोचते हैं, कह रहे अगर स्विट्जरलैंड गए होते तो हमें ज्यादा सुख मिलता, गाड़ी बड़ी होती तो हमें ज्यादा सुख मिलता, आज हमारे पास इतने करोड़ होते तो ज्यादा सुख मिलता, समाओ दे यू गेट टू यू रियलाइज द प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ, कि जो रिश्ते हैं बेसिक, जो प्यार है, जो सहानुभूति है, जो एक दूसरे के साथ रहने का, जो मतलब खुश रहने के लिए बहुत कम चीजों की आवश्यकता है, तो फैमिली इज वन ऑफ दोज बेसिक वैल्यूज विच वी somehow were able to realize during this period. बाकी जो भी सहायता एक दूसरे की कर सकते हैं, कर सकते थे उस दौरान करते रहे, mentally या हर level पे. बिल्कुल सर, आपके पास 3 दशक का खजाना है जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जिन लोग प्यार करते हैं और इंडस्ट्री की खबरों के बारे में सुनना चाहते हैं उनके लिए 3 दशक का खजाना और तमाम फिल्में, तमाम लोग जिनके साथ आपने काम किया है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा फूल उठाऊं और उसकी बात करूँ कि इसके एक एक इस पे हम बात करते हैं. लेकिन चूंकि बॉबी देओल के साथ अभी अभी आपने काम किया तो गुप्त से मैं चाहूंगा कि गुप्त की यादें क्या आप लोगों ने ताजा की. हाँ, बॉबी देओल के साथ मैंने काफी सारी फिल्में की हैं, गुप्त की है और बादल में काम किया था, बर्दाश्त एक फिल्म आई थी उसमें काम किया था, कई सारी फिल्में हैं और ऑलमोस्ट सारी फिल्में ही हिट रही, बहुत पसंद की गई. हाँ, तो बातें तो होती हैं पुरानी काफी सारी, और चूंकि काफी समय बाद मिल रहे थे तो या इट वाज लॉट ऑफ फन टॉक. पर यह है कि समहाउ बॉबी आल्सो एक हमने बहुत यंग एज में काम किया, व्हेन क्योंकि गुप्त मेरे ख्याल से आई थी मिड 90s में, मेरे ख्याल से 95 के आसपास, शायद 97 में रिलीज हुई थी. बढ़िया मेमोरी आपकी. सो हाँ, तो मतलब कितना बहुत लंबा समय हो गया. तो यह है कि वो एक अच्छा इन्हीं महीनों में रिलीज हुई थी, इन्हीं एक दो महीनों में रिलीज हुई थी, 7 जुलाई हो समथिंग ना, इन्हीं महीनों में रिलीज हुई थी वो फिल्म. अच्छा 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 ओके ओके परफेक्ट. 2007 2017 2025 मतलब वही 23 साल. जी, हाँ, तो बस यूं ही समय बीत जाता. तो वो है कि वो एक जीवन का एक अलग पड़ाव था जब हम कंपैरेटिवली वी वर ऑल यंग, एक कहीं उतनी जिंदगी देखी नहीं थी, और 20-25 साल के बाद अभी बॉबी जैसे बता रहे थे कि हिज सन इज नाउ ग्रोन अप, तो मतलब फ्रॉम अ यंग मैन टू नाउ ही इज, और मैं भी मतलब पेरेंट्स बन गए हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, जिंदगी के उतार चढ़ाव देख चुके हैं ज्यादा पहले से कहीं. तो एक किसी भी कलाकार की जिंदगी में, वो भले ही एक्टर हो या फ्रॉम अ क्रिएटिव फील्ड राइटर हो, पेंटर हो, कोई भी हो, सो आई थिंक जिंदगी जो झटके देती है या जो हमें सिखाती है, that changes an artist a lot. तो बॉबी देओल ने भी जो जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे पिछले काफी समय से, क्योंकि एक स्टेज आता है जब आदमी बहुत सक्सेसफुल है, चाहे मैं अपनी बात करूं या किसी की भी, तो आप उस मोमेंटम में निकल जाते हो, और जब वो फ्लो थोड़ा सा कम होता है, सो देन यू टेंड टू रीड मोर, देन यू टेंड टू रियलाइज मोर, आप चीजें ज्यादा अब्सॉर्ब करते हो कि अब ऐसा क्यों हो रहा है. और एक मुश्किल दौर से गुजर के जब आप कोई नया काम करते हो, सो विद दैट न्यू फाउंड मैच्योरिटी, जो रियलाइजेशन, जो तजर्बा और जो चीजें आपने सीखी, लोगों का व्यवहार देखा, उसके बाद आप जो काम करते हो तो उसमें एक अलग तरह का एक क्या कहें, वो एक नया अच्छा एक तड़का लगा हुआ होता है तजर्बे का. एक्टिंग 20 साल पहले भी थी, एक्टिंग आज भी है, एक्टिंग कुछ सालों बाद भी होगी, लेकिन 20-25 साल के पहले परफॉर्मेंस में और आज के परफॉर्मेंस में वही जिंदगी की मुश्किलों के तड़के का फर्क है जो जो सबसे बड़ी एक अंतर देता है काम में. तो हाँ, वही है. तो बातें हमारी हुई वही तब की, बाद की, बीच की, क्या मेरे जीवन में रहा, कुछ आप भी थी सुनी, कुछ उनकी आप भी थी सुनाई, तो हाँ अच्छा रहा. तो हम लोग दामिनी में चलते हैं, वहां पर सनी देओल भी थे. तो दामिनी जब बन रही थी तो आप लोगों को लगता था ये फिल्म इस तरीके से कमाल करेगी कि आज हम 30 साल के बाद भी लगभग
इस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे, इतना सुपर डुपर हिट सिनेमा बनेगा, या क्या लग रहा था जब ये फिल्म बन रही थी? नहीं, फिल्म बनते वक्त तो मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होता है कि वो इस लेवल पे सक्सेस होगी, क्योंकि हम किसी भी बड़ी फिल्म की बात करें, वो चाहे मदर इंडिया रही हो या शोले रही हो, जो भी वन ऑफ द बिगेस्ट, कोई भी बड़ी से बड़ी फिल्म आप उठा लें, या जो जैसे रमेश सिप्पी साहब के इंटरव्यू आते हैं कहीं भी, तो किसी को उस वक्त अंदाजा नहीं होता है। और सक्सेसफुल सफल फिल्म बनाना हर कोई चाहता है, चाहे वो सबसे वाहियात फिल्म बन रही हो, छोटे से छोटे बजट की भी फिल्म आदमी शुरू करता है तो अपनी तरफ से अच्छी ही बनाने की कोशिश करता है। लेकिन नोबडी रियली नोज के इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, क्योंकि तमाम तरह की मेहनत करने के बाद भी ऑडियंस का डिसीजन फाइनल होता है, ऑडियंस इज द सुप्रीम कोर्ट हम लोगों का, तो वहां जज साहब का क्या फैसला है वो तो थिएटर में पहुंचकर ही मालूम होता है। तो पहले से तो अंदाजा नहीं होता है कि स्केल कितना होगा। हाँ कि अच्छी फिल्म बना रहे हैं भाई, कहानी अच्छी है, कास्टिंग अच्छी है, डायरेक्टर अच्छा है, ईमानदारी से बना रहे हैं, तो हाँ अच्छी फिल्म बन रही है, बस इतनी अच्छी हो जाएगी या इतनी पसंद होगी उसका अंदाजा मुझे नहीं लगता किसी को होगा पहले से। कुछ आपको याद आता है शूटिंग के दौरान की कोई ऐसी ट्रिविया जो आज तक कभी लिखा नहीं गया, लेकिन आपको लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग आज भी दामिनी देखते हैं जब टीवी पर आती है तो? दामिनी में, लेकिन मैं नहीं था दामिनी में, तो आप दामिनी में नहीं थे? जी नहीं, तो मैं तो आप प्रश्न पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया, पर दामिनी में मैं आपकी फिल्म सॉरी आपकी आपकी फिल्मोग्राफी में लिखा है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, दामिनी में मैं नहीं था। चलिए, आपने कितने अच्छे से संभाला ना एकदम वो करके, तो अच्छा ऐसा है कि वो कोई भी फिल्म हो उस वक्त वो एनी सक्सेसफुल, उस वक्त अंदाजा नहीं होता है किसी को भी कि वो क्या होने वाला है। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और आप एकदम एकदम गंभीरता से जवाब भी दे रहे हैं, मैं भी ना सोच रहा हूँ दामिनी में आपका कैरेक्टर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब आपके विकिपीडिया में तो लिखा हुआ है। जो भी लिखता होगा वो अपना लिख देता है तो। हाँ, बल्कि वो मुझे इसका गुप्त का याद आ रहा था, पूछ रहे थे। हाँ तो बताइए सर। हाँ तो गुप्त में मेरा रोल ज्यादा बड़ा बचा नहीं इवेंचुअली, वो फिल्म शूट हुई और चूंकि वो करियर की नई नई शुरुआत थी और शुरुआत में फिल्म सबसे पहले तो यलगार आई थी, फिर वो बाद में कुछ फिल्में आई, तो उस वक्त बड़ा एक्साइटमेंट था और वो पोस्ट कार्ड का जमाना था, तब एसटीडी पर भी खर्चा बहुत ज्यादा आता था, तो हम पोस्ट कार्ड जब तो जो वो फिल्म मिली गुप्त और राजीव राय की, उस वक्त त्रिदेव और बड़ी बड़ी मोहरा, उस वक्त बड़ी बड़ी फिल्में हिट हुई थी, तो गुप्त मिली तो मैंने वो बहुत सारे इनलैंड लेटर्स खरीद के जिस जिसको भी पूरे देश में खबर फैला दी कि मुझे राजीव राय की नई फिल्म मिली है गुप्त, और शूटिंग वूटिंग हो गई, रिलीज हुई, हमें तो पता चल गया कि रोल तो बड़ा है नहीं, क्या करें, पर अब तो हम पूरे देश में खबर फैला चुके थे इनलैंड लेटर में लिख लिख के मुझे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब जगह। और तो जब वो रिलीज होगी तो एक दिन मेरी भाभी का फोन आया मेरठ से, वो भाभी का स्कूल भी है मेरठ में, तो उनका फोन आया तो बोले कि भैया हमने तुम्हारी फिल्म देखी। नहीं, वो मुझसे बोले कि मेरा नाम घर पे राजू है, कि राजू भैया अगर वहाँ काम नहीं मिल रहा है तो वापस आ जाओ ना। मैंने कहा भाभी क्या हो गया? बोले अरे मैं वो फिल्म देखने गई थी, अच्छा उनको लगा कि हमारे देवर जी की फिल्म आ रही है और गुप्त है फिल्म और बॉबी देओल, तो उन्होंने अपनी सारी टीचर्स का गैंग लेके वो शी वेंट टू द थिएटर टू वॉच द फिल्म, और उसमें जैसे ही मेरी एंट्री होती है तो एंट्री बड़ी अच्छी होती है ना, उसमें हैट वैट था, एक गैंग है जो जंगली में स्मगलर्स का, बहुत अच्छी एंट्री है उसमें, अपने गैंग के साथ एंटर करता हूँ, और तब उन्होंने सबको बताया कि देखो देखो दिस इज माई ब्रदर इन लॉ, दिस इज माई ब्रदर इन लॉ, और जब तक सबने देखा कि अच्छा दिस इज योर ब्रदर इन लॉ, तब तक ठकाक बोली लग गई और द कैरेक्टर डाइड। दैट मेड हर वेरी अनकंफर्टेबल, कह रही है मैं तो अपने पूरे गैंग को लेके आई दिखाने के देखो माय ब्रदर इन लॉ इज डूइंग द रोल, और जब तक लोगों ने पहचानना शुरू किया वो मर गया। सो शी कॉल्ड मी इमीडिएटली कि भाई अगर काम नहीं मिल रहा है तो वापस आ जाओ, बजाय कि ऐसे रोल करने के। सो या आई मीन लॉट्स ऑफ इंस्टेंसेस। बहुत सारे लोग आपको प्यार भी दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक तस्वीर है आपकी, ये हाँ ये एक बूंद ये इश्क, हाँ
ये एलैबोरेट कर दीजिए। ये मैंने एक टेलीविजन सीरीज की थी एक बूंद इश्क लाइफ ओके पर, तो इस पात्र का नाम था कलावती। तो ये बहुत ही मजेदार वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल एक कमाल का एक कैरेक्टर करने को मिला था मुझे। और उसमें क्या है कि फिल्म में तो चूंकि फिल्म की नॉर्मली लेंथ 2.5 घंटे की होती है, तो फिल्म में अपॉर्चुनिटी लिमिटेड आपके हिस्से में बहुत ज्यादा समय आता नहीं है, और चूंकि डेली सोप काफी लंबे समय तक चलता है, ऑलमोस्ट ये 2.5-2 साल चला था सीरीज, तो वहां आपको बहुत ही डिटेल के साथ अपना काम करने का मौका मिलता है कि आप उसकी डेप्थ में जाके अलग अलग तरीके से आप अपने कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको राइटर भी बहुत आराम से सीन लिखता है। तो इट वॉज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जहाँ एक एक्सप्लोर कर पाते हैं किन्नर के पात्र को कि एक ठीक है ये डबल रोल था वो जो, क्योंकि एक 6 फुटे आदमी के शरीर में एक औरत बसती है, तो एक तो वो दुनिया को दिखाने के लिए भोपाल का एक अच्छा ताकतवर पॉलिटिशियन है, लेकिन हकीकत में वो जब आप अपने घर पहुंचता है तो शी इज अ वुमन। तो जो द्वंद था इन दो पात्रों के बीच में कि सोसाइटी के लिए उसको एज अ पॉलिटिशियन एक 6 फुट का आदमी एक मजबूत कद्दावर पॉलिटिकल हैवीवेट बन के रहता है, लेकिन हकीकत में वो एक बेचारा सॉफ्ट हार्टेड औरत है, तो वो बहुत ही अच्छा किरदार था। इट वॉज फैंटास्टिक, अप्रिशिएटेड अ लॉट बाय पीपल, और बहुत अच्छी। और इसमें क्या है कि मुझे इतने लंबे समय तक किया, ऑलमोस्ट 2.5-2 साल तक, और रोज करते थे, तो इसका इम्पैक्ट, और एक तो करना ही इसको बड़ा मुश्किल था कि पूरा आप हेयर रिमूवल और दुनिया भर का फिर आप मेकअप, ऑलमोस्ट मुझे लगता था 3-3.5 घंटे का टाइम लगता था रोज तैयार होने में, फिर वो नेल पॉलिश और आर्टिफिशियल नेल्स और मेकअप और फिर औरतों की ज्वेलरी और कपड़े, सो फिजिकली ऑल्सो इट वॉज वेरी डिमांडिंग एंड मेंटली ऑल्सो। बल्कि उसके बाद कई सालों तक मुझे कुछ वो जेस्चर्स में आदत पड़ गई थी, कई बार मेरा हाथ में जाता था दुकान पे ऐसे रह जाता था तो याद आता था कि अरे ये हाथ ऊपर कहाँ से आ गया। सो इट हैज एन इफेक्ट ऑन यू इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट। वाओ, तो मैं कई एक्टर से बात करता हूँ तो मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि वो ऐसा रोल करना चाहते हैं जो मर्द और औरत दोनों का मिक्स हो, दोनों को प्ले करने का मौका मिले। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन मैंने स्टोरी भी की थी, किसी ने मेरे इंटरव्यू में कहा था, और आपको अपने करियर के इस टाइम पे मिला। आप इस रोल को करने की वजह यही थी क्या कि यहाँ पे बहुत कुछ आपको मेहनत करनी थी, सीमाओं को तोड़ना था? क्योंकि एज एन एक्टर आपकी कोशिश रहती है कि अलग अलग तरह का काम करने का मौका मिले। हमारी इंडस्ट्री में एक वो ट्रेंड रहा है टाइप कास्ट करने का, कि जैसे यलगार में फिरोज खान ने इंट्रोड्यूस किया मुझे एज अ विलन, तो एक वो छाप लग गई एज अ विलन, और फिर विलन के ही रोल मिलते रहे, और फिर तो यह है कि उसमें जेल्ड बाल थे यलगार में, वो लोगों को रोल पसंद आया, तो बाकी की भी बहुत सारी फिल्मों में द डायरेक्टर्स वॉन्टेड मी टू जेल माई हेयर वेयर ग्लासेस जस्ट लाइक यलगार, कि भाई नहीं एक वो कैरेक्टर जयचंद का लोगों को पसंद आया उस स्टाइल में, सो लेट्स फॉलो द सेम स्टाइल। तो वो एक्टर के लिए बड़ा जरूरी है किसी भी कंफर्ट जोन में ना फंसना, अपने आप को रिपीट ना करना। अच्छा, कमर्शियल फिल्मों के दायरे में पहले तो खास तौर पर वही पुलिस वाला, वही डॉन, वही करप्ट पॉलिटिशियन, वही 4-5 तरह के विलेंस ज्यादा पॉपुलर रहे। अब चूंकि अलग अलग तरह की कहानियां आ रही हैं तो अभी थोड़ी वैरायटी आई है, रोल्स ज्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं, विलेंस भी ज्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं। तो मेरी तो कोशिश शुरू से यही रही कि अलग अलग तरह का किरदार करूं, और इसको करने की भी वजह यही थी कि टाइप कास्ट ना हो। बीच में मुझे बहुत सारे पुलिस के रोल्स मिलने शुरू हो गए थे, कि घर पे फोन आता था कि विश्वजीत जी आपके लिए बहुत अच्छा रोल निकला है, मैंने कहा हाँ भाई बताओ क्या रोल निकला है, इंस्पेक्टर पांडे, इंस्पेक्टर शुक्ला, इंस्पेक्टर खान। तो मैं डरने लगा कि यार ये तो मैं बड़ा लिमिटेड से तरीके से लोग मुझे देख रहे हैं, आई हैव द पोटेंशियल टू डू अ लॉट मोर, नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ रोल। और उसी लिए मैंने ये भी कब, मुझे लग रहा है 12-15 साल पहले की बात होगी, आई ग्रू माई हेयर लॉन्ग, इतने लंबे मैंने बाल करके कलर्ड करा लिए। ओके, अब मेरे इतने लंबे बाल हैं, आई हैव कलर्ड है, लाइट ब्राउन है,
अभी नोबडी विल ऑफर मी अ कॉप्स रोल. तो ऑलमोस्ट 2.5 साल मैंने कोई पुलिस वाले का रोल नहीं किया. आई वेंट फॉर अ चेंज ऑफ इमेज. उस लिए मुझे बहुत सारा काम भी छोड़ना पड़ा. पर उसमें मजे की बात यह है कि हमारे एक डायरेक्टर दोस्त थे राज कंवर जी, अभी वो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी एक बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं. उन्होंने उस दौरान भी मुझसे एक रोल पुलिस वाले का कराया, बोले नहीं ये रोल तू ही करेगा. तो उन्होंने मेरे लिए विग बनाया और आई डिड दैट रोल ऑफ अ कॉप. तो ये रोल कलावती का भी इट वॉज जस्ट एन एफर्ट इन द सेम डायरेक्शन के मुझे लोग एज एन एक्टर एक लिमिटेड नजरिए से ना देखें कि ये इसी तरह का काम कर पाता है. So we have to keep the actor in us alive. We have to keep challenging ourselves also. कि जब तक खुद को टेस्ट नहीं करेंगे, we will not grow as an actor. हाँ, मैं कह रहा था कि सर जब आपने पुलिस वाले के इतने सारे रोल किए हैं, मतलब एक समय ऐसा था कि बॉलीवुड के पुलिस वाले हो गए थे आप, तब आपको 83 में मतलब कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी थी. अरे हर किरदार अलग होता है, लेकिन यह है कि काफी चीजें ऐसी हैं कि जैसे इसमें वो ट्रेनर है, पुलिस ट्रेनर है, तो चूंकि इस तरह का एक्सपोजर मुझे बहुत सारे रोल्स में मिला है. पहला ही रोल जो मैंने किया था फौजी का, फौजी सीरीज में जो शाहरुख खान की लॉन्च सीरीज रही, उसमें ही हमको पहले सीरियल में ही ट्रेनिंग दी गई थी टू हाउ टू बी अ प्रॉपर सोल्जर. कर्नल कपूर जो डायरेक्टर थे उसके, तो ही पुट अस थ्रू अ प्रॉपर ट्रेनिंग. फिर उसके बाद बॉम्बे आके मुझे प्रहार में काम मिला, जो नाना पाटेकर की डायरेक्टोरियल फिल्म थी. उसमें तो पूरा 40 दिन का कमांडो कोर्स करा दिया था नाना पाटेकर ने हमें, MLRI बेलगांव कमांडो स्कूल में ले जाके. तो ये सारे तजर्बे कहीं ना कहीं जो एक्सपोजर हमें मिला, क्योंकि जहां पर सिविलियंस अलाउड ही नहीं है, उस कमांडो स्कूल में आप जाके 40-50 दिन पूरी ट्रेनिंग कर लें, फिर शूटिंग के लिए और 1.5 महीना रहे. तो फिल्म्स एक एक्टर को बहुत सारे ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहां आपको दूसरे आदमी के जीवन में झांकने का या दूसरे आदमी की जिंदगी जीने का मौका मिलता है. सो ऑल दिस ट्रेनिंग डज हेल्प इवेंचुअली, क्योंकि आपका ऑलरेडी इतना एक्सपोजर हो चुका है उस तरह के रोल्स में, एज अ कमांडो, एज एन आर्मी पर्सन. तो जब एक पुलिस ट्रेनर का रोल करना है, सो ऑफकोर्स ऑल दैट डज हेल्प यू. अच्छा सर, बहुत सारे लोग अब सवाल भी पूछ रहे हैं और क्या बोलते हैं, एक सवाल लेते हैं. अच्छा, लोगों से मैं अपील करता हूं कि अगर आपके पास विश्वजीत सर के लिए सवाल है तो आप प्लीज यहां पर लिखें, प्रॉपर फ्रेम करके सवाल लिख के भेजें, मैं वो सवाल पूछूंगा. सिद्धांत गिल ने एक सवाल पूछा है, कुड यू टेल अस अबाउट द इंसिडेंट ऑन द सेट्स ऑफ नो प्रॉब्लम. हाँ, नो प्रॉब्लम में क्लाइमेक्स सीन चल रहा था, उसमें हम एक शिप के ऊपर शूट कर रहे थे. तो उसमें संजय दत्त, कंगना रनौत, परेश रावल, अक्षय खन्ना, सभी पूरी कास्ट थी, सुनील शेट्टी, रंजीत. और उसमें एक स्टेज पर यह था कि हमने हीरो को बांधा हुआ है, संजय दत्त को और कंगना को और सबको, अक्षय खन्ना को, और जो हमारा विलेन सुनील शेट्टी, मैं, रंजीत जी, हम सब लोग हैं. तो हम आग लगाने जाते हैं हीरो को और बाय मिस्टेक वो हमारे कपड़ों में लग जाती है. तो प्रिकॉशंस तो लिए गए थे बिफोर द फायर एक्शन सीक्वेंस, लेकिन मेरे बाय मिस्टेक मेरे पैंट में वो आग ज्यादा फैल गई. जितनी लिमिटेड एरिया में प्रिकॉशन लिया था वहां ना लगने की बजाय माय होल पैंट कॉट फायर. और चूंकि शॉर्ट में ही आग लगनी थी और चिल्लाना था, तो मुझे तो माय पैंट एक्चुअली कॉट फायर कंप्लीटली और मैं चिल्ला रहा हूँ. एवरीबडी थॉट के विश्वजीत इज फाइनली गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस, के अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है. और मुझे भी यह था कि चूंकि उसमें मेरा जो किरदार है वो थ्रू आउट फिल्म में वीडियो कैमरा लेके शूट करता रहता है, और कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपकी ट्रेनिंग हो जाती है कि शॉट खराब ना हो. तो अब मुझे दिख रहा है कि महसूस कर रहा हूँ कि आग लग चुकी है, बहुत पेन हो रहा है, पर कहीं ना कहीं मैं वो कैमरा भी नहीं छोड़ रहा कि टूट ना जाए. कहीं ना कहीं मुझे ये है कि मैं, मेरी वजह से शॉट बीच में ना रुके. तो आई समहाउ मैनेज टू कंप्लीट द शॉट, और जब कट हो गया उसके बाद बाय द टाइम दे हैड रियलाइज्ड कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है, लोगों ने कंबल अम्बल डाला मेरे ऊपर. और फिर तो हाँ, मतलब उसके बाद करीब 15-20 दिन तक
मैं बहुत छोटे से शॉर्ट्स पहन के पैरों पे पूरी टॉप टू बॉटम दवाई लगा के घूमता रहा. सो या दैट वाज अ बैड अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस. ओह माय गॉड, आप रे इतना जल गए थे, आपने शॉर्ट के लिए जल गए आप, आपको पता है आप जल रहे हो. हाँ पता है, लेकिन वो है कि अब उसमें कि चलो शॉर्ट तो वो शॉर्ट है फिल्म में और दैट्स ऑल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, क्या कहें, होता रहता है. LOIS लॉइस क्या पढ़ेंगे इसको, SPN. उन्होंने कहा है कि प्रधान जी हैं कहाँ से, नेपाल से तो नहीं है? नहीं, नेपाल से ज्यादा दूर नहीं है, वो दिल्ली के पास एक जगह है मेरठ, तो मेरठ शहर हमारा होम टाउन है, पैदाइश मेरठ की है और तो स्कूलिंग मेरठ में, बाकी की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लॉ मैंने इलाहाबाद से किया, उसके बाद कुछ समय दिल्ली रहे फौजी वगैरह के टाइम पे, फिर बम्बई, फिर मेलबर्न, तो सफर चल रहा है अब, तो पैदाइश मेरठ की है, बाकी है कहाँ के लोग तय करें तो बेहतर रहेगा. भारत का हूँ मैं. नहीं आप तो दुनिया के हैं. अच्छा किसी ने पूछा है कि आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं. फिट एक बहुत अच्छी बात जो फिल्मों में काम करने की है और खासतौर पर एज अ विलन काम करने की है कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट, क्योंकि अभी तक तो काफी कहीं ना कहीं एज अ विलन आपको एक्शन सीक्वेंसेस करने पड़ते हैं और अगर आप फिट नहीं हैं तो ड्यूरिंग द एक्शन सीक्वेंस आप ना तो एक्शन ठीक से कर पाएंगे और अगर आप करने भी गए तो यू विल एंजॉय योरसेल्फ वेरी बैडली. तो उसमें बड़ा जरूरी है कि आप फिट रहें एंड यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू डिलीवर व्हाट द डायरेक्टर डिमांड्स ऑन द सेट. So because of that perforce one has to keep oneself fit. So एक incentive तो वो है कि आपको करना ही है. हालांकि मैं जैसे 4-5 साल बीच में ऑस्ट्रेलिया में था, so I sort of took it easy कि मेरे ऊपर वो कोई compulsion नहीं था. हालांकि वहां भी मैं acting करता रहा on off, कि उस वक्त compulsion नहीं था कि मुझे shot देना ही है. So I sort of put on weight at that time. लेकिन वहाँ भी लॉट ऑफ साइकिलिंग, लॉट ऑफ रनिंग, आउटडोर इतना अच्छा है वहाँ पर, या जिमिंग हम वहाँ भी करते रहे. या सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरे लाइफ में योगा हैज प्लेड अ बिग रोल. फॉर्चुनेटली बहुत जल्दी मैंने योगा शुरू कर दिया था स्कूल के थोड़ा बाद ही, इलाहाबाद आई अ गुड प्रॉपर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स एंड सो योगा हैज बीन विद मी एंड जिमिंग आई स्टार्टेड इन कॉलेज इटसेल्फ प्रीटी अर्ली. So a combination of yoga and gymming and weights that has been helpful in keeping me fit. हालांकि मैं उतना fit नहीं हूँ जितना हम आज की generation को देखें. अब आज की generation क्यों, हमारे जो साथ के लोग हैं अक्षय कुमार या सलमान खान या शाहरुख या जितने भी हैं, they are absolutely fit. आपने बताया कि no problem में आप कंगना के साथ काम कर रहे थे और कंगना इन दिनों खूब कंगना की बात हो रही है. तो मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ कि नो प्रॉब्लम के दौरान, अब मेरे ख्याल से 8-9 साल तो हो गए, 7-8 साल हो गए उसके बाद, उस समय की कंगना और आज की कंगना में कितना फर्क आ गया है? और क्या कंगना से आपकी बातचीत हुई थी शूटिंग के दौरान कि बहुत बिजी शेड्यूल था और बात कम हुई थी? नहीं, एक रूटीन सा इंटरेक्शन तो होता ही है आप जब सेट पर हैं, काम कर रहे हैं साथ में, पर ऐसा कोई बहुत गहन डिस्कशन हुआ हो ऐसा कुछ नहीं. बट हाँ, एज अ रूटीन, एज अ कोएक्टर यू डू इंटरेक्ट, बातें करते हैं. तो और तो कंगना बहुत डिसिप्लिन्ड, वो अपना क्वाइट नेचर की है जनरली उस वक्त जो मुझे याद है, अपने शी वॉज फोकस्ड ऑन हर वर्क, जितना काम करना है उस पर ध्यान रखना. एंड तो एक्ट्रेस तो कंगना बहुत बढ़िया है, शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, तब भी अभी, बल्कि बाद में जो उनकी फिल्में आई हैं बहुत हिट भी रही हैं, बहुत अच्छा काम भी किया है और उनका एक जो एक सोशली एक्टिव एक जो रूप हम अब देख रहे हैं वो तब उतना नहीं था. तो एक ये अंतर है कि तब मुझे लग रहा है एक उतना एक the process was on and अभी now she has flowered completely. देखिए आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं भी रिपोर्टर हूँ यहाँ पे और कंगना भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, और चूंकि ये जो बवाल चल रहा है मैं आपसे आपके विचार जानना चाहता हूँ. कंगना ने इस पूरे मामले पर, सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर हम एकदम से कूद गए, लेकिन अब कंगना की बात चल रही है तो मैं सोचा कि कंगना वाला टॉपिक पूरा कर लिया जाए जी. तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उन्होंने खूब बातें कही, जो लाइव देख रहे हैं उनको भी पता है कि कंगना ने क्या क्या कब कब कैसे कहा, और उसके पहले भी वो फिल्म इंडस्ट्री पर थोड़ी नाराज हैं और वो जो भी सच्चाई है वो शायद बदलना चाहती इंडस्ट्री को इस तरीके से बताकर.
क्योंकि उन्होंने कह दिया था मणिकर्णिका के दौरान कि मैं सबको एक एक को देख लूंगी। तो देखते कैसे हैं इस पूरे, अभी अभी जब कंगना मुंबई आना चाहती हैं, यहाँ की शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि मतलब उनको एक गाली दे देते हैं, हरामखोर शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, फिर वो कहती हैं मैं आऊंगी, आप देख लेना जिसको करना है, मैं 9 तारीख को पहुंचूंगी। अब इस पर बात हो रही है, लोग लिख रहे हैं, तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ क्या सोचते हैं आप। एक तो फ्री कंट्री, सभी को हक है अपनी बात कहने का, और क्योंकि अब ये बात भाई देखिए, जहां तक सुशांत सिंह के केस का सवाल है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज, जो कंगना ने कहा वो उनका एक हक है वो बात कहने का, और जो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उनको एक काउंटर आया वो उनका तरीका है काउंटर करने का। तो इट्स अ प्रोसेस गोइंग ऑन, सब लोग, इट्स अ गेम, और सब उसको अब अपनी कन्विक्शन कहें, अपनी मान मर्यादा कहें, अपनी लड़ाई कहें, वो सब का प्रोसेस चल रहा है। सो आई थिंक इट्स अ गेम, इट्स अ प्रोसेस ऑफ वेट एंड वॉच। सब अपनी अपनी समझ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं तो बस यही मेरा फोकस है कि भाई इस सुशांत सिंह के केस में जो भी सही बात है वो सामने आए, बाकी राजनीतिकरण तो हर चीज का हो जाता है और लोग फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और सोशल मीडिया ने सभी को एक पावर दे दी है कहने की, उसको कोई सुने ना सुने पर वो अपनी बात कह रहे हैं, तो लाखों करोड़ों लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, एवरीबडी इज इन्वॉल्व, नॉट जस्ट इन इंडिया बट मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में होर्डिंग्स लग गए हैं, यूएस में होर्डिंग्स लगा दिए हैं सुशांत सिंह के लोगों ने, तो एक बस एक मूवमेंट सा शुरू हो गया है। लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप अ बैलेंस्ड माइंड, बहुत ज़्यादा स्वे ना हो लोगों की ओपिनियन से, और अपना जो एक सीबीआई है या जो एक कानूनी प्रोसेस है जो चल रहा है उसमें सही समाचार का, सही एक आउटकम का हम लोग इंतजार करें। एक सवाल आपकी आपकी वाइफ के लिए आया है, सोनालिका जी के लिए, वो डिजाइनर है, डू यू यूज स्पोर्ट डिजाइनर क्लॉथ, आपकी वाइफ डिजाइनर है, और अनुषा जी ने पूछा है कि आप डिजाइनर क्लॉथ को कितना पसंद करते हैं और किस तरीके से आप, मतलब आपके लिए फैशन वो क्या है, स्टेटमेंट क्या है आपका? मेरा फैशन स्टेटमेंट तो यह है कि शरीर को जो कंफर्टेबल लगे, क्योंकि सोनालिका, हाँ वो अच्छा पॉपुलर डिजाइनर हैं, काफी उनके डिजाइन पॉपुलर रहे हैं, लोग पहनना पसंद भी करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली मैं कहूँ तो मैं अगर वही कॉस्ट्यूम पे भी लागू करता है, एज एन एक्टर मैं जो कॉस्ट्यूम पहनता हूँ, कई सारे डिजाइनर्स या जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं कॉस्ट्यूम बना देते हैं कई बार, बट एज एन एक्टर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, एज अ कैरेक्टर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट, तो आप कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है उसका। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू, जैसे कहते हैं, टू बी कम्फर्टेबल इन योर स्किन, कि आपने जो भी कपड़ा पहना है आप उसमें आराम से रह रहे हैं क्या। तो अगर मैं कोई कपड़ा, आजकल मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कुछ भी, चूंकि ब्रांड कॉन्शियस सब लोग हो गए हैं, वो लोन लेके भी लोग पार्टीज करते हैं, और किसी तरह वो कहीं से भी आपसे पैसे लेके, मुझसे पैसे लेके, लेटेस्ट वॉचेस, लेटेस्ट हॉलीडेज, लेटेस्ट एवरीथिंग, एंड देन दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे कांट लिव प्रॉपरली, क्योंकि देखा देखी के चक्कर में वो इतना पैसा उठा लेते हैं मार्केट से, एंड दे बाय थिंग्स विच दे कांट अफोर्ड, सो द होल लाइफ बिकम्स मिजरेबल। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, या तो मैं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि कपड़ा चाहे खादी का हो, सिंपल हो, सूती कपड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर कंफर्टेबल है तो ठीक है। अब उस पर खादी आश्रम लिखा है या कोई लेटेस्ट किसी बड़े डिजाइनर का है, दैट इज सेकेंडरी। सर, दोस्ती फिल्म इंडस्ट्री में मैं आपकी देख रहा हूँ जिस तरीके से, मैं इसको दोस्ती ही कहूंगा कि फौजी से आप शुरुआत करते हैं और 83 शाहरुख खान के साथ, हालांकि शाहरुख खान के प्रोडक्शन की फिल्म है वो जी। तो ये सचमुच दोस्ती है कि इत्तफाक है? इत्तफाक ही है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि दोस्ती नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती है कि भाई हमें एक फौजी से शुरुआत हुई, और शाहरुख खान की तो जर्नी बहुत अच्छी रही है।
ही भाई आजकल एक आउटसाइडर इनसाइडर की डिबेट भी बहुत चल रही है बंबई में, लेकिन शाहरुख खान इज अ कंप्लीट आउटसाइडर, बट वही वो कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, बंबई आए अपने बलबूते पर, उन्हें भी सारी दिक्कतें जो आज की तारीख में यंगस्टर्स को फेस करनी पड़ रही है, ही ऑल्सो वेंट थ्रू ऑल द चैलेंजेस सक्सेसेस एंड फेलियर्स, और उसके बावजूद वो इस मुकाम पे पहुंचे, आई ऑल्सो वेंट थ्रू सिमिलर स्ट्रगल। तो हम सब लोग बाहर और भी बहुत सारे लोग आए, फौजी के दूसरे एक्टर्स भी आए और दिल्ली से यहाँ वहाँ से एक्टर्स आते रहे हैं, तो मुझे मालूम है किस तरह की दिक्कतें फ्रस्ट्रेशंस डिसअपॉइंटमेंट्स आदमी महसूस करता है, और सब के बावजूद आप एक शाहरुख खान जैसे आप मुकाम पे पहुंच जाएं, सो वो काबिल तारीफ है। लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, इसको कोइंसिडेंस ही कहूंगा मैं, क्योंकि जैसे फौजी में तो खैर फौजी में भी ऑडिशंस हुए थे व्हेन वी गॉट इनटू इट, और उसके बाद भी मुझे उनके प्रोडक्शंस में काम करने का मौका मिला है, जो उनकी कंपनी थी पहले ड्रीम्स अनलिमिटेड, हाँ, तो उसमें फिर भी दिल है हिंदुस्तानी एक फिल्म आई थी, उसमें बहुत पसंद की गई थी, फिर चलते चलते वॉज अनदर फिल्म विच पीपल लाइक द लॉट, और ये मिला, लेकिन इट वॉज ऑलवेज थ्रू, क्योंकि शाहरुख खान को खुद तो शायद पता भी नहीं होगा कि किसकी कास्टिंग हो रही है, उस वक्त अजीज मिर्जा जो डायरेक्टर थे फिल्म के, ही वॉज टेकिंग ऑल द डिसीजंस, और इसमें भी बिकॉज ऑफ द अगेन देयर वाज एन ऑडिशन, देयर इज अ कास्टिंग डायरेक्टर, आजकल तो एवरीथिंग इज डन बाय द कास्टिंग डायरेक्टर, तो पर बढ़िया है दैट कहीं ना कहीं हम लोग साथ में काम कर पाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, एंड आई होप द खुशकिस्मती कंटिन्यूज इन द फ्यूचर ऑल्सो। सर, ये आउटसाइडर और इनसाइडर की डिबेट को आप देखते कैसे हैं? आप भी तो बाहर से हैं। हाँ, लेकिन ये एक देखिए, ये तो एक ऐसी चीज है कि सब जगह है, आउटसाइडर इनसाइडर कहाँ नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है या रिलीजन में, भाई जिसको जहां पर जो स्थापित हो जाता है वो चाहता है कि उसका ही कोई करीबी उत्तराधिकारी बने, और तो भाई फिल्म इंडस्ट्री भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है जिसमें हम और आप रहते हैं, बट इट्स जस्ट बिकॉज पीपल नो द कैरेक्टर्स और द एक्टर्स मोर, वो उनकी जिंदगी या उनके चाल चलन के विषय में ज्यादा जानना चाहते हैं, हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो दे फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव, और उनको लगता है कि अजीब हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें आसपास, सो आउटसाइडर्स एंड इनसाइडर्स आर एवरीवेयर, whether it's medical field, whether it's education, whether it's politics, कोई भी field बचा नहीं है, whether it's fashion industry, whether it's आपका journalism का, आप अपने आसपास देखते होंगे, ये जो तमाम चीज़ें हम मुंबई के संदर्भ में बोलते हैं, बॉलीवुड के संदर्भ में, वो सारी चीज़ें आप अपने आसपास नवभारत टाइम्स में सब देखते होंगे रोजाना, तो इट्स यूनिवर्सल एवरीवेयर। एक और चीज है, आजकल जब मैं बॉलीवुड की खबरें पढ़ रहा हूँ या दर्शक पढ़ रहे हैं, तो मुझसे बार बार जो लोग पूछते हैं, खैर मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं भी खबरें लिख रहा हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, ऐसा लगता है बॉलीवुड की खबर पढ़ के कि वहां पर ड्रग्स का ही धंधा होता है, वहां पर कोई नया काम करने जाएगा तो उसको तो मार डालेंगे लोग, यू नो सफोकेशन में मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, मतलब इतनी ज्यादा निगेटिविटी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर लोगों के मन में बढ़ती जा रही है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। मैं तो खैर बहुत दूर से काम करता हूँ, रिपोर्ट्स करता हूँ, लेकिन आप तो बहुत अंदर काम कर रहे हैं, एक तरीके से मैं कहूँगा आप हवाई जहाज में बैठ के बॉलीवुड को देखते हैं, 30 साल से आप वहाँ पे एक्टिव हैं, मुझे समझाइए ना ये है क्या। देखिए ये किसी ये आपके ऊपर ज्यादा है एज एन इंडिविजुअल, आप क्या हैं, क्योंकि मुझे याद है जब मेरा एक दोस्त आया था, बाद में वो भी बड़ा एक्टर बना, वो स्टेशन मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे उतरा, जब वो जहाँ कहीं से भी दिल्ली से या पंजाब से आया था, और बोला मैं स्टेशन से उतरा बॉम्बे सेंट्रल पे, सामने वो कुछ सड़क पे कुछ बैठे, वो कुछ जुआ खेल रहे थे, तो मोनी के पास बैठ गया और उनके साथ जो पैसे थे वो वहीं हार गया, और तो यू कांट ब्लेम एनीबडी, आपको क्या चीज अट्रैक्ट करती है, आपको जो चीज पसंद करती है यू टेंड टू गो टुवर्ड्स दैट, आपको सामने मंदिर दिखा या मस्जिद दिखी आप वहां चले गए प्रार्थना करने, आपको जुआघर दिखा आप जुआघर में चले गए, आपको शराब खाना दिखा आप शराब खाने में चले गए, तो आपकी
यू कांट ब्लेम अ प्रोफेशन और यू कांट ब्लेम के भाई ये बॉलीवुड खराब है या राजनीति खराब है या पार्लियामेंट खराब है. हम किसी भी फील्ड में जाएं, बॉलीवुड में अच्छे चाल चलन वाले भी हैं, 19-20 चाल चलन वाले भी हैं. हम राजनीति में जाएं तो वहाँ एक से एक अच्छे ईमानदार राजनीतिक भी हैं और करप्ट भी हैं. सो वी जस्ट कांट ब्लेम एनी कम्युनिटी एज अ होल कि यहाँ सब खराब है. और दूर से तो हम चूंकि एक रिपोर्ट के जरिए ही दुनिया को देख पा रहे हैं. तो जैसे बम्बई में बारिश होती है और बम्बई में कुछ इलाकों में पानी भरता है जो निचले इलाके हैं, लेकिन टीवी पर हम दिखाते हैं कि अरे बम्बई तो डूब रहा है, तो कई सारे जानने वालों के फोन आ जाते हैं कि भाई तुम जिंदा तो हो, मरने वाले तो नहीं हो, बम्बई तो डूब रहा है. तो बम्बई पूरा नहीं डूब रहा है, वो तो चूंकि टेलीविजन पर लोगों को कुछ सनसनीखेज खबरें दिखानी है तो कुछ निचले इलाकों में पानी भर गया है. तो उसी तरह का एक इमेज बन जाती है. जैसे हम कश्मीर, मुझे याद है हम श्रीनगर शूटिंग करने गए थे और तो वहाँ बड़ा डर, ये भी करीब 10-12 साल पहले की बात है, और वहाँ लोकल लोगों से बात करते थे, बोले अब कश्मीर इतना बड़ा है, अब कहीं किसी गांव में गोली चल गई, कहीं कोई टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, लेकिन न्यूज़ जो देश में दिखती है वो है कश्मीर टेररिज्म. बोले वो कहीं छोटे गाँव में हुआ है बट बदनाम पूरा कश्मीर हो रहा है. सो इट्स जस्ट दैट जिसको पता नहीं है, जो दूर से देख रहा है. और मैं अपनी भी बात बताऊँ भाई, जब हम बम्बई आए तो हमारी फैमिली खिलाफ थी इसके कि नहीं आप फिल्मों विल्मों में नहीं जाएंगे, बड़ा एक तो गंदा प्रोफेशन है. दूसरे हमारी मदर को डर लगता था कि जो भी फिल्मों में हमने देखा कि फिल्मों में दिखाते हैं कि सारे जितने भी खतरनाक डॉन है वो सब बम्बई में होते हैं, जितने भी लोग सिगार पी रहे होते हैं, वो डार्क ग्लासेस लगा रखे होते हैं, वो सब बम्बई में होते हैं, वो आसपास लड़कियाँ नाच रही होती हैं, वो सब ऐसे लोग बम्बई में होते हैं. तो हम खुद बड़े डरे हुए बम्बई आए थे कि ये तो बड़ी खतरनाक जगह है जहाँ डॉन रहते हैं. तो वो एक इमेज है विच इज क्रिएटेड. अच्छा, उस वक्त तो सिर्फ फिल्में थी देखने के लिए, आजकल तो फेसबुक है, ट्विटर है, दुनिया और दुनिया भर का एक मीडिया आप अपने मोबाइल पर देख रहे हो. तो जो चश्मा लोगों की आंखों पर दिखाया लगाया जा रहा है, उस नजरिए से वो पूरी उसको इंडस्ट्री को देख रहे हैं. क्या बात है. अच्छा सर, 30 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी ऐसा होता है क्या कि हम तड़प रहे हैं किसी के साथ काम करने के लिए, मरे जा रहे हैं कि इस डायरेक्टर की पिक्चर मिल जाए, इसके साथ काम करना है यार, या इस एक्टर के साथ काम करना है, ये मस्त एक्टर है, इसके साथ तो मस्त केमिस्ट्री कर सकते हैं, या ये एक्ट्रेस के साथ. आपने तो दिग्गजों के साथ, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, टीम, प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है, जो सपनों, मतलब जो फिल्म बनाते थे तो एक एक सीन अलग तरीके से उनको, तो उसमें आर्ट दिखता था. अब थोड़ा प्रोफेशनल हो गए हैं, आर्ट दिखता है अभी भी. तो आप आज किस डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं? मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए ना तड़प रहा हूं ना मर रहा हूं. ऑनेस्टली यह है कि भाई मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से काम कर रहा हूं, और जिस किसी को मुझ में वैल्यू नज़र आए तो आई वुड लव टू वर्क विद एवरीबडी. जो एस्टेब्लिश्ड हैं आई वुड लाइक टू वर्क विद देम ऑल्सो. और एक बहुत अच्छी नई generation of directors, writers आ रही है. So I am more excited about working with the new people. क्योंकि मैं पुराने लोगों को देख रहा हूँ, वो बड़े fixed चश्मे से आपको देखते हैं, fixed नज़रिया हो गया उन लोगों का. और जो नई generation है, the new boys and girls, they look at you in a new way. वो आपको नए तरीके से पेश करते हैं, नए नए ideas लेकर आ रहे हैं. So it's exciting to work with both. So I am open to everybody. It's just that I can assure everyone कि भाई मैं अपना काम अपने to the best of my ability करूँगा, and I'm just raring to do different types of roles in a new way. एक तरीके से हम काम कर चुके हैं, अब एक और नए तरीके से नए लोगों के साथ करना चाहते हैं. So that is more that I look forward to. देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आपके पास बातों का खजाना है, लेकिन हर एक दशक में हम सोचते हैं कि चीजें बदलती हैं, हम भी नया कुछ सीखते हैं, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं. तो 90s में आप आए थे, वो दशक आप लोगों का था. फिर एक सेकंड, मुझे लग रहा है मेरी इसकी लैपटॉप की बैटरी शायद जा रही है, मैं एक मिनट इसको चार्जर पे लगा दूं. तो दोस्तों, आप लोग सवाल ना प्रॉपर फ्रेम करके पूछिए. हाँ, सिद्धार्थ गिल का सवाल है मेरे पास, मैं पूछूंगा. नंदिनी का भी सवाल है, अनुषा जी का सवाल नहीं है, विजय पवार. ओके, बायकॉट बायकॉट.
अरे क्यों विजय पवार जी, क्यों बायकॉट करना चाहते हैं आप? तो मैं कह रहा था हर 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 किसी का दशक होता है। आपका पहला दशक था 90s, फिर उसके बाद दो दशक आपने काम किया, तो इस दशक में जो नए लोग आए हैं आप बहुत अच्छे से समझते हैं चीजों को, क्योंकि आपने कई दशकों तक लोगों को, नई जनरेशन को आते देखा है। 5-5 साल में एक चीज जनरेशन बदल जाती है, तो एक तरीके से देखे तो 6 जनरेशन आपने देख ली अगर 5-5 के टुकड़ों में करें 30 साल को। तो पिछले 5 सालों में, हाँ देखिए ना, आप ऐसे देख सकते हैं ना, पिछले 5 सालों में बहुत सारे नए बच्चे आए। कौन कौन हीरो है, जो लड़का है जो आया है अभी, आप उसके काम से प्रभावित हो और आपको लगता है यार ये बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, इसका काम से मैं ये सीखता हूँ, ये देखता हूँ, मजा आता है? सुशांत सिंह बहुत अच्छे हैं, मतलब सुशांत सिंह इतना बढ़िया काम किया उन्होंने पिछले कुछ सालों में। हालांकि उनके साथ मैं पर्सनली कोई फिल्म नहीं कर पाया, क्योंकि मैं वो 4-5 साल से मैं खुद ही यहाँ नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में था। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मैं जिस जिम में जाता था तो वहाँ सुशांत सिंह भी आते थे, एंड ही वॉज सो फुल ऑफ एनर्जी एंड पॉजिटिविटी। और तो उनको उस वक्त वो टेलीविजन ज़्यादा कर रहे थे, उस वक्त ही देख के लगता था, हम बात बात होती भी थी हमारी, कि मतलब अनबिलीवेबल है ना, ही वाज सो गुड इन हिज किक्स इन वर्किंग आउट, और वो यूज्ड टू वर्क लाइक अ मैन पोजेस्ड, इतनी बढ़िया और एनर्जी थी। और बाद में उन्होंने जो काम किया है वो सब हम जाते हैं, सो दैट्स अनफॉर्चुनेट के ऐसा हुआ। बाकी सुशांत सिंह के अलावा कितने बहुत सारे जितनी भी ये नई जनरेशन है, विक्की कौशल है, बहुत बढ़िया, और आप देखिए सिंपल फोकस्ड लोग हैं। एक अच्छा जो बात हो गई है वो ये है कि एक रियलिस्टिक सा सिनेमा आ गया है, जो पहले जो एक बहुत ही हम एक सपनों की दुनिया वाला सिनेमा होता था कि आप जाइए और भूल जाइए, अभी भी फिल्में बनती हैं वो लार्जर देन लाइफ, लेकिन एक जो रियलिस्टिक सिनेमा आ गया है, और तो उसमें आजकल ऑलमोस्ट एवरीबडी जो नई जनरेशन है, आई एम वेरी हैप्पी विद द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट्स हैपनिंग। सब लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं फोकस तरीके से। रणवीर सिंह भी, रणवीर कपूर, हालांकि ये तो दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश, दे आर बिग स्टार्स, लेकिन दोनों का काम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई मीन दे आर नॉट न्यू कमर्स, दे आर एस्टैब्लिश स्टार्स नाउ। आई लव द एनर्जी दैट रणवीर सिंह ब्रिंग्स ऑन स्क्रीन, रणवीर कपूर जो एक सेंसिटिविटी लेके आते हैं। ऐसा क्या है इन आज के एक्टर्स में जो आप लोगों के अंदर नहीं है, और ऐसा क्या है आप लोगों के अंदर जो इनके अंदर होना चाहिए और है नहीं? क्या मिसिंग है इन लोगों के अंदर? आई थिंक दे हैव एवरीथिंग, मतलब ये इतनी सिंसियरिटी है, इतनी एनर्जी है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमने जब हम इंडस्ट्री में आए और जो पहली जनरेशन के एक्टर्स थे, एक बच्चन साहब तो है हु इज ऑलवेज बीन फेमस फॉर हिज पंक्चुअलिटी, लेकिन ज्यादातर एक्टर्स जो हैं दे वर जस्ट फेमस फॉर बीइंग नॉट पंक्चुअल, कि सेट पर टाइम पर नहीं आ रहे हैं। पहले के जो एक्टर्स थे हीरोज खासतौर पे, ना आप सेट पर टाइम पर आ रहे हैं, ना आप सेट पर प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हैं, फिल्म में 3-3-4 साल लटकी रहती थी, प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाते थे, बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से काम होता था। और सो दैट इज वन थिंग विच इज नॉट देयर इन द न्यू जनरेशन, दे आर ऑल सो डिसिप्लिन्ड, है ना, टाइम पर अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, सेट पर टाइम से काम करते हैं, प्लानिंग से काम होता है, सिनेमा का, हमारी फिल्मों का, प्रोड्यूसर्स का काम करने का तरीका भी बदल गया है, एक कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। तो जिस तरह पहले हम हॉलीवुड का जिक्र किया करते थे कि भाई वहाँ 2 साल प्लानिंग होती है और 2 महीने में फिल्म कम्प्लीट हो जाती है, हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं होती थी पहले और हम 2-3-4 साल शूटिंग करते थे। सो दैट होल थिंग हैज चेंज्ड, अभी लंबी प्लानिंग के बाद एक तरीके से शूटिंग होती है, जिस चीज जो अक्षय कुमार जिस चीज के लिए मशहूर हैं, साल में उनकी 9 से 4-5 फिल्में आती हैं, कम समय में फिल्म पूरी कर देते हैं पूरे एक डिसिप्लिन के साथ। सो इट्स नाइस। सो मैं आज की तारीख में तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज है जो इनमें नहीं है, दे आर कम्प्लीटली कमिटेड टू देयर प्रोफेशन। पहले वालों में बहुत सारी थी जो बस ढीले ढाले लोग थे, चल रहे थे। सर आपका फेवरेट सुपरस्टार?
और क्यों? वो बच्चन साहब ही हैं सबके सुपरस्टार तो, क्योंकि बच्चन साहब को देख के ही, जैसे आपने मुझे बताया कि जब से मैं आया हूँ तो हर 5 साल में जनरेशन चेंज होती है, तो 6 जनरेशन तो यही हो गई, बाप रे बाप, ऑलरेडी 6 जनरेशन, तो न जाने कितनी जनरेशन सिर्फ बच्चन साहब को देखकर ही इंस्पायर होकर ही बम्बई आए। बाकी बच्चन साहब के अलावा जो मेरे फेवरेट्स रहे हैं अदरवाइज, तो कहीं ना एक संजीव कुमार मुझे बहुत पसंद है, उनका काम करने का तरीके, मतलब एक वो बेमिसाल काम करके चले गए। और नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, नाना पाटेकर हैं, मुझे ये लोग बड़े पसंद रहे एज अ एक्टर्स ऑल्सो, और चूंकि उनके साथ काम करने का मौका मिला लंबे समय तक, उन एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो के काम बहुत अच्छा किया, कमाल के आर्टिस्ट हैं और जीवन इन सबका बड़ा सिंपल है, तो आई एडमायर देम फॉर दैट रीजन। सर इन दिनों आपको काम आसानी से मिल जाता है या आपको, क्योंकि आप बीच में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, कि या फिर अप्रोच आप कैसे करते हैं, ऑडिशन फिर से दिलाते हैं, कैसे आपको काम मिलने का तरीका क्या है आसानी से, कि आपको अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है? फॉर्चुनेटली देखिए, स्ट्रगल इज अ वर्ड विच अप्लाइज डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल। स्ट्रगल तो जिंदगी में किसी का भी खत्म नहीं होता, जो टॉप पर है वो भी स्ट्रगल कर रहा है टॉप पे टिके रहने के लिए। जैसे हमारे राजनीति में होता है कि भले ही मंत्री कितना ही सीनियर क्यों ना हो, हाईएस्ट चेयर मिलने के बाद भी उसका स्ट्रगल चल रहा होता है कुर्सी बचाए रखने के लिए, वो चाहे सीएम हो या कोई मंत्री हो या कोई भी हो, तो स्ट्रगल तो है। पर हाँ, ये एक है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक कार्यकर्ता का स्ट्रगल होता है, एक चीफ मिनिस्टर का स्ट्रगल होता है, तो स्ट्रगल दोनों कर रहे हैं, पर एक बहुत बेसिक लेवल पे कर रहा है, एक शीर्ष पे पहुंच के कर रहा है कि हम यहाँ टिके रहें और हमारी पोजीशन कायम रहे, तो वो स्ट्रगल तो हमारा भी चल रहा है। पर यह है कि जो अपना करियर शुरू कर रहा है उसका स्ट्रगल अलग है, जो थोड़े एस्टैब्लिश्ड हो गए उसका स्ट्रगल अलग है, जो सुपरस्टार एकदम टॉप पर बैठा है उसका स्ट्रगल अलग है। सो या द स्ट्रगल इज देयर इन एवरीबॉडीज लाइफ, इट्स अ कांस्टेंट, एज एन एक्टर यू हैव टू कीप रिन्यूइंग योरसेल्फ। और अभी बहुत अच्छी बात हुई है कि एक द कास्टिंग डायरेक्टर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर लाइक हॉलीवुड इन इंडिया ऑल्सो, और तो एक चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। पहले थोड़ा यारी दोस्ती में बहुत सारी कास्टिंग्स हो जाया करती थी, जब तक हम पहुंचते थे एज न्यू कमर्स के भाई मैं भी एक एक्टर हूं, आप मुझे कोई रोल दीजिए, तब तक उस वक्त के जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड विलन्स होते थे या जो ऑलरेडी करीबी होते थे या जिनकी ऑलरेडी रिलेशनशिप अच्छी होती थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, उनकी ऑलरेडी कास्टिंग हो चुकी होती थी। सो दैट्स वे इट्स नाइस, आप देख रहे हैं कि कितने नए लोग आजकल, नए टैलेंट्स, नए एक्टर्स सामने आ रहे हैं। सो ऑल ओवर द कास्टिंग डायरेक्टर्स ने, दे गो ऑल ओवर, कि अगर नॉर्थ के फ्लेवर वाली फिल्म है सो दे गो एंड कास्ट इन पंजाब, दिल्ली में जाके कास्टिंग करेंगे, यूपी के फ्लेवर की फिल्म है तो लखनऊ जाके कास्टिंग करेंगे। सो दे आर लुकिंग फॉर न्यू फेसेस, तो बड़ा अच्छा समय है नए एक्टर्स के लिए भी। लेकिन या सो, और हमें एक एडवांटेज है कि वी आर ऑलरेडी नोन, हमें लोग जानते हैं, तो एक ऑलरेडी एक इमेज है। सो बढ़िया है, इट्स अ नाइस मिक्स ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। कुछ अब तक का जो काम किया है उसका आनंद है, कुछ जो आगे करेंगे और जो नयापन है, जो नया माहौल बना है, वो एक अननोन सा एक्साइटमेंट है। आप, ये लिंक टूट गया क्या? आप मुझे नजर नहीं आ रहे, तो मुझे नहीं मालूम आप देख पा रहे हैं कि नहीं। I can't hear you. या तो ऑडियो चला गया है, विजुअल इज ऑल्सो नॉट देयर। सो
सीजन में जरूर करेंगे. थैंक यू सो मच. सॉरी, अच्छा मैं भी कुछ दिखना बंद हो गया, आई सॉर्ट ऑफ वेंट लुकिंग फॉर माय मोबाइल. जी